क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसकी हवाले, फिर छोड़ सितारे हुआ दीवाना। अच्छा, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला घुमा, नया प्यार है नया इंतजार, कर दूं मैं क्या अपना है ऐ दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार तू ही बता। पहला खुमार
एक कर दो आसमान। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता तू ही बता। वाह किशोरदा लता जी, जस्ट अ मैजिकल पेयर। और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन उन गानों पर बड़ी हुई है, एंड दे एवरग्रीन सॉन्ग्स। वो कभी भी आप उन्हें प्ले कीजिए, यू वी विल ऑलवेज हम एंड सिंग दोस सॉन्ग्स। और आप दोनों, मतलब माशाल्लाह क्या आपने गाया है, यू वर जस्ट फैबुलस एंड फ्लॉलेस बोथ ऑफ यू। संजुती, आप बहुत ही बेहतरीन सिंगर हो, हर स्टाइल में परफेक्शन के साथ ही गाती हो। इस मंच की गरिमा इससे बढ़ती है कि आप जैसे आर्टिस्ट हैं दोनों। शिवम, क्या आवाज है यार आपकी, आपकी आवाज भारी, यू गॉट लाइक द बैंडविड्थ, इट्स इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच। म्यूजिक अरे एक दूसरे को तो देखो। Yes, तुमने विशाल जी के पैर छुए, तुमने yes, रेखा जी के पैर छुए, टबू जी के पैर क्यों नहीं छुए? ये तुमने हाथ मिलाने की जुर्रत की बाबूजी? हिमेश जी से कुछ छुप नहीं सकता। सर मुझे पसंद है उनसे हाथ मिलाना, इसलिए। जैसे सबको पसंद है और अभी तक सबको टबू जी ने ठेंगा ही दिया है, किसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो तुम्हें भी वो ही ठेंगा मिलने वाला है, समझे? अगर चाहते हो कि तुम्हारा कुछ एक्सेप्टेंस हो जाए तो अच्छा गाओ। Thank you.
ना परायणा सगार नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे नैनों का जहर नशीला रे नैनों का जहर नशीला नैनों का जहर नशीला बरसावे बादलों में सतरंगियां बावे नैना बाब रख देंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए क्या फिल्म है क्या म्यूजिक है इनक्रेडिबल सर इनक्रेडिबल बहुत बहुत ही खूबसूरत गाया शिवम तुमने तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है और तुम्हारी तैयारी पता चल रहा है क्योंकि ये गायकी का ये मैच्योरिटी इतनी कम एज में आना तो उसका उसके पीछे तुम्हारी मेहनत दिखाई दे रही है और इतना अच्छा सुर लग रहा है तुम्हारा इतनी आवाज बिल्कुल चेंज नहीं हो रही ऊपर एकदम ऐसी पुख्ता आवाज तुम्हारी इसमें लग रही है बहुत बहुत अच्छा थैंक यू सो मच सर मैं जब सुन रहा था तुम्हारा गाना तो मैं भी उस वक्त में चला गया जब बहुत वक्त हो गया अब तो ओमकारा को 15 साल होने को आ गए तो मुझे कुछ बहुत सारी कहानियां याद आई इस गाने से भी जुड़ी हुई इस फिल्म से जुड़ी हुई जी सर मैं गाने जो बनाता था वो ट्रैवलिंग में बनाता था जब लोकेशन देखने जा रहे होते थे तो गाड़ी में चल रहे हैं पीछे मेरे सब टेक्नीशियंस भी बैठे होते थे तो मुझे पहले तो थोड़ी शर्म आती थी यू नो मैं रात को अचानक 11 बजे यू नो एक अपने पहले तो धीरे धीरे फ़ोन निकाल के उसमें डब यू नो रिकॉर्ड करता था फिर मैंने शर्म छोड़ कर ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया तो मेरे बहुत सारे गाने वैसे बने ये गाना नहीं पर बाकी सारे गाने वो साथी रे नमक इश्का सब गाने ऐसे बने ये गाने में बहुत ज़रूरी है बताना कि ये गाना फिल्म में होना ही नहीं था ये गाना था ही नहीं कहीं तो हमारे प्रोड्यूसर जो थे इसमें कुमार मंगत साहब उन्होंने आके मुझे बोला कि सर इसके अंदर को रोमांटिक गाना सिर्फ एक ही है वो साथी रे तो एक रोमांटिक गाना और चाहिए अब वो रिलीज से मतलब हम रिलीज से 2-2.5 वीक पहले थे तो मैंने एक दो बार उन्हें टाल दिया कि नहीं कुमार जी अभी रहने दीजिए ना रिलीज का टाइम है कहाँ अभी बैकग्राउंड स्कोर ये सब चल रहा है और वो रोज़ आके बैठ जाए कि नहीं एक रोमांटिक गाना तो चाहिए एक रोमांटिक गाना और चाहिए मैंने गुलजार साहब से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे लाइन दी नैना ठग लेंगे ये लाइन पे तुम बना लो मुखड़ा फिर मैं आगे लिख दूंगा तो मैंने बनाया और मुखड़ा बनाया और मैंने मेरे जितने असिस्टेंट थे सब लोगों को मैंने बुलाया कि देखो आज कुमार जी गाना सुनने आ रहे हैं
और तुम्हें गाना अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तुम इतनी जोर जोर से बोलना कि ये तो एकदम कमाल गाना है, पागल कर देगा, ऐसा रोमांटिक गाना कहीं सुना ही नहीं है। क्योंकि मुझे कुमार जी से पीछा छुड़ाना था, क्योंकि कुमार जी को रोमांटिक गाना चाहिए था। अब कुमार जी आए वहाँ पे और बैठे, और सारे वो असिस्टेंट जो जबकि कभी कुछ नहीं बोलते थे किसी सेटिंग में, और जैसे मैंने मुखड़ा ख़त्म किया वो लोग रुके ही ना कि ये तो पागल कर देगा गाना, ये हो जाएगा। और कुमार जी को पता नहीं कैसा लगा, उन्होंने बोला हाँ सबको इतना अच्छा लग रहा तो अच्छा ही होगा। एंड देन दिस सॉन्ग बिकेम व्हाट दिस इज टुडे। क्या बात है और क्या गाना बना है, इनक्रेडिबल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।